भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सृष्टि रचाने वाले दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। सृष्टि रचाने वाले दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। तेरी ही ज्योति से चमके नभ में चांद सितारे, तेरी ही ज्योति से चमके नभ में चांद सितारे, अगनि गगन जल धरन पवन में, अगन गगन जल धरन पवन में, देखे बड़े नजारे। सब कुछ बनाने वाले दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। सृष्टि रचाने वाले दुख से बचाने वाले, चारों जो दिख रही है ये तेरी फुलवारी, चारों जो दिख रही है ये तेरी फुलवारी, रंग बिरंगे
फूल है इसमें, रंग बिरंगे फूल है इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी, कलियां खिलाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा, सृष्टि रचाने वाले, जल चर थल चर नभ चर जितने इस सृष्टि में प्राणी, जल चर थल चर नभ चर जितने इस सृष्टि में प्राणी, मिल रहा बेमोल सभी को, मिल रहा बेमोल सभी को, निश दिन दाना पानी, जीवन चलाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा, सृष्टि रचाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। उपस्थित पूज्य मात्र शक्ति धर्मी सज्जनों, बहुत सुंदर भजन अभी आपने भाई कैलाश जी से सुना, उनके पश्चात मैंने आपके मध्य भजन रखा, सृष्टि रचाने वाले, दुख से बचाने वाले, दिनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। बहुत सुंदर पंक्तियां इस भजन के अंदर लिखी हैं। अंतिम पंक्ति में लिखा है, जलचर थलचर नभचर जितने इस सृष्टि में प्राणी, मिल रहा बेमोल सभी को, निश्दिन दाना पानी, जीवन चलाने वाले, दुख से बचाने वाले, दिनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। उस ईश्वर ने जीवात्मा को सुख देने के लिए इस संसार की रचना की है, चर्चा हमारी चल रही है, और ग्रंथों में लिखा है भोग और अपवर्ग, अर्थात भोग और अपवर्ग के लिए ये संसार ईश्वर ने बनाया है, सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए। वेद मंत्र के द्वारा खुद कह रहे हैं कि भोग और अपवर्ग के लिए ये संसार बनाया है, सुख और आनंद के लिए, दुख और दर्द के लिए संसार नहीं बनाया है। फिर भी हम अपनी अज्ञानतावश दोष देते हैं, ये संसार दुख में बनाया है, और इसकी चर्चा कल भी मैंने की। लेकिन ध्यान रखना, पिता अपने पुत्र के लिए कोई वस्तु दुखदायक घर में नहीं लाता, सुख देने वाली वस्तुओं को ही लाता है। ऐसे ही ईश्वर भी जीवात्माओं के लिए कोई भी वस्तु दुखदायी नहीं बनाता, सारी सुखदायी बनाता है। ये और बात है, हम उससे दुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चा अपनी अज्ञानतावश दुख प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा अपनी अज्ञानतावश
संसार में दुख प्राप्त कर लेता है, लेकिन परमात्मा ने दुख रूप नहीं बनाई है, सृष्टि सुख रूप बनाई है, ये तो हमारी अज्ञानता कहिए या मूर्खता कहिए। देखो कल मैंने चर्चा की थी, तीन मूल कारण हैं व्यक्ति के दुख प्राप्त करने के, तीन मुख्य कारण हैं दुख प्राप्त करने के। एक कारण है वस्तु का प्रयोग ना करना, दूसरा कारण है वस्तु का प्रयोग गलत करना, और तीसरा कारण है वस्तु का ज्यादा प्रयोग करना। थोड़ी थोड़ी चर्चा मैंने कल भी इसकी की थी। मान लो मेरे मुझे भूख लग रही है और मैं रोटी ना खाऊं, तो इसमें मेरा दोष है, ईश्वर का दोष है? मेरा दोष है, मुझे भूख लग रही है उसके लिए मुझे रोटी खानी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और अगर इस रोटी खाने के परिश्रम को व्यक्ति दुख माने तो बताओ ये इसका दूर हो सकता है? ये इसका दुख दूर नहीं हो सकता, जीवन चलाने के लिए रोटी खानी पड़ेगी। और दूसरा है गलत प्रयोग करना, अर्थात जब व्यक्ति गलत ढंग से प्रयोग करता है तब भी दुख प्राप्त होता है। अब देखें ये माइक्रोफोन है, उधर एम्पलीफायर है, इसकी वायर हमने उधर लगा रखी है, अगर उधर का हिस्सा इधर लगाएं, इधर का हिस्सा उधर लगाएं, तो क्या ये चल जाएगा? यहां पर आप चलाते हैं इसे, अगर इधर का हिस्सा उधर लगाएं, उधर का हिस्सा इधर लगाएं, तो ये नहीं चलेगा। साधन हमारे पास रखा हुआ है लेकिन हम इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे हमें सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। खीर बहुत सुंदर बनाई हुई है हमने अपने घर में, खीर खाने में मीठी लगती है, अच्छा लगता है, किंतु उस खीर में हम शक्कर ना डालकर अगर नमक डाल दें तो क्या वो स्वादिष्ट लगेगी? उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो कहा है अगर हम गलत प्रयोग करते हैं तब भी हमें सुख प्राप्त नहीं होगा, और ज्यादा प्रयोग करते हैं वस्तु का तब भी दुख प्राप्त होगा। उसकी चर्चा मैं आपके मध्य कर चुका हूं, हम किसी चीज का ज्यादा प्रयोग करते हैं तब भी व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। रोटी सुख देती है लेकिन ज्यादा खा लेते हैं तो रोगी कर देती है, बीमार पड़ जाता है आदमी। ऐसे ही हर वस्तु को लीजिए, अपने जीवन में जिस चीज का भी व्यक्ति अति कर देता है वही वस्तु दुखदाई हो जाती है। और जब मात्रा में वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने कल भी चर्चा की थी, जो दुख देने वाली चीज है वो भी व्यक्ति को सुख देती है, क्योंकि हम तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, और इसकी चर्चा कर चुका हूं अनेक तरह से। देखो अंगूर सुख देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है? सुख देने वाला तो उसे खाते हैं, खाने में भी स्वाद आता है और स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है, लेकिन लोग अंगूरों से शराब बना देते हैं, उसका गलत प्रयोग करते हैं। तो शराब सुख देती है दुख देती है? दुख देती है, क्योंकि हमने प्रयोग तो किया लेकिन उसका दुरुपयोग किया, उसे गला सड़ा हम सड़ाया हमने, फिर उसकी शराब बनाई, तब प्रयोग किया तो हानिकारक हुई। और ध्यान देना, कुछ तो ऐसी भी चीजें, शराब भी अगर किसी रोग में ली जाती है ना, तो वो थोड़ी ली जाती है, वो भी ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति के अनेक रोग दूर कर देती है, ऐसा सुनने में आता है, हमें तो पता नहीं, देखो हमने तो पी नहीं, पर कुछ लोग कहते हैं ऐसा। खैर, अर्थात जो चीज मात्रा में ली जाती है वो सही होती है, और सही ढंग लेने का होता है वो सुखदायी होती है। अगर चीज को बिगाड़ कर तुम उसका प्रयोग करोगे तो ध्यान रखना वो भी दुखदायी होगी। अच्छा, ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं इसके बिगाड़ का कारण ईश्वर है या मनुष्य है? मनुष्य है, मनुष्यों ने उस प्रभु की प्रकृति को बिगाड़ दिया है, इसलिए संसार में दुख प्राप्त कर रहा है। अच्छा, इस सारी प्रकृति को बिगाड़ने वाला कौन है जी? मनुष्य है। परमात्मा ने तो इतनी सुंदर बनाकर दी है, मैंने कल भी कहा था हर एक वस्तु इसकी बहुत अच्छी है, लाभदायक है, लेकिन हमने उसे बिगाड़ दिया है। और इतना ही नहीं, वातावरण भी इतना बिगाड़ दिया है अपने रहन सहन के द्वारा, खान पान के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। आज देखें, अब ये जो मौसम चल रहा है ये इतनी, जैसे ये गर्मी का है या सर्दी का है? गर्मी का मौसम चल रहा है, पर जितनी गर्मी होनी चाहिए क्या उतनी गर्मी हो रही है? जितनी गर्मी होनी चाहिए इस समय उतनी गर्मी नहीं हो रही है। अप्रैल का महीना चल रहा है, अच्छी गर्मी होनी चाहिए, लेकिन आप देखें सवेरे को इतनी गर्मी नहीं होती। बरसात के दिनों में जब आवश्यकता होती है तब बरसात नहीं पड़ती है, और जब आवश्यकता नहीं होती है तब बरसात पड़ती है। उसका हानि कितनी हो रही है, किसान की फसल बेकार जा रही है,
किसान दुखी है बेचारा, जब वर्षा की समय है तब वर्षा पड़ नहीं रही है, और जब वर्षा की आवश्यकता नहीं है तब वर्षा पड़ रही है, फसल सारी नष्ट हो जाती है। पर इसमें दोष ईश्वर का नहीं है, हमारा ही है, क्योंकि हमने उसके सिस्टम को बिगाड़ दिया है। हमने जो चीज उसने बनाई है उसका रख रखाव अच्छा नहीं किया है। ध्यान रखना, हम खुद इससे दुख प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर ने दुख हमें नहीं दिया है, हमने उसे बिगाड़ दिया है। बिगाड़ के कारण भी व्यक्ति संसार में अनेक तरह का दुख प्राप्त करता है। इसलिए मैंने पहले भी चर्चा की थी, जिस समय परमात्मा की व्यवस्था में चलती थी ना ये सृष्टि, तब देखें आप, बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न किया करती थी। पढ़ना आप रामायण को, रामायण में लिखा है, और कृष्ण समझा रहे हैं ये बात किसे, युधिष्ठिर को। कृष्ण समझा रहे हैं युधिष्ठिर, जिस समय यहां पर श्री रामचंद्र जी का शासन होता था उस समय ये पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न किया करती थी। वृक्ष फलों से लदे हुए रहते थे हर समय, किसी चीज की कोई आवश्यकता व्यक्ति को नहीं होती थी, अल्प आयु व्यक्ति की नहीं होती थी, कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता था। श्री रामचंद्र जी जिस समय इस सृष्टि पर राज करते थे, और आज क्या स्थिति है, आज आप देखें हर जवान जवान मृत्यु इस देश के अंदर हो रही है, बच्चों की मृत्यु इस देश के अंदर हो रही है, रोगी होते चले जा रहे हैं, बेचारे का विवाह हुआ कुछ दिन पश्चात मर गया, युवा घर पर पत्नी विधवा हो गई, बेचारी का जीवन दुखी हो गया, पत्नी मर गई, बेचारे लड़के का जीवन दुखी हो गया, ये सब क्या हो रहा है, अल्प आयु व्यक्ति की होती जा रही है। अच्छा, इसका कारण ईश्वर है या हम हैं? हम हैं, क्योंकि हमने उसके पदार्थों को गलत प्रयोग किया है, इसलिए दुख का कारण हम हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम सही ढंग से उसके पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो हमें सुखदायी होते हैं। आज खाद्य पदार्थों में कितनी मिलावट की जा रही है, हर खाद्य पदार्थ में कितनी मिलावट की जा रही है, आप आश्चर्य करेंगे। पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, खाद्य पदार्थ में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की आंखें खुलती हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, संसार में लंबी आयु प्राप्त करता है, सुख सुविधाओं का भोग करता है, आज उसकी खाद्य पदार्थों में कितनी मिलावट व्यक्ति ने कर दी है। जो हम दूध पी रहे हैं ना, मैं एक दिन पढ़ रहा था, भारत के अंदर 64% दूध की खपत है कुछ ऐसा है, और उत्पादन पता नहीं थोड़ा कम आधा बता रहे थे, कुछ ऐसा मैं भूल रहा हूं, उत्पादन आधा है और खपत ज्यादा है। और आगे उसका वो कह रहे थे, अगर इसी तरह से भारत के अंदर दूध की उपज होती रही और लोग दूध का सेवन करते रहे तो 25 या 26 27 तक भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी हो जाएंगे लोग। अगर दूध पिया तो भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी होंगे लोग, क्योंकि दूध में इतनी मिलावट की जा रही है। कहां से आ रहा है दूध, अब आप देख सकते हैं। अच्छा, ये दुख हम प्राप्त कर रहे हैं या भगवान दे रहा है? ये दुख हम प्राप्त कर रहे हैं, इसमें ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि हमने उसकी चीजों में मिलावट करनी शुरू कर दी है। जहर हम किस लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से पैसे मुझ पर आ जाए, मैं थोड़ा सा धनवान बन जाऊं, इसलिए एक दूसरे के जीवन से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग इस जीवन का कीमत नहीं समझ रहे, कितना अमूल्य शरीर ईश्वर ने हमें दिया था। लेकिन आप देखें, अच्छा सोचे, इतना उत्तम शरीर कितना कीमती, और संसार में सुख प्राप्त करने के लिए दिया था, कितने पुण्य कर्मों के बाद में हमें मिलता है। लेकिन आज कितना खिलवाड़ लोग कर रहे हैं इस शरीर से, कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, हर खाद्य पदार्थ में मिलावट कर रहे हैं, अन्न में मिलावट है, फल में मिलावट है, और औषधियों में जो औषधि जीवनदायिनी होती है आप देखे लोग उसमें मिलावट कर रहे हैं। बहुत सारी औषधि ऐसी हैं जो लिखते हैं डॉक्टर, मेडिकल पर जब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं उस कंपनी की लेना, इस कंपनी की मत लेना, ये लाभ करेगी ये लाभ नहीं करेगी, जबकि फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी कहते हैं ये लाभ करेगी ये लाभ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसने ठीक चीज नहीं। आज शिलाजीत को आप देखें, अगर सर्दियों के दिनों में व्यक्ति शिलाजीत का प्रयोग करे ना महाराज, तो सर्दी नहीं लग सकती व्यक्ति को, और लगी हुई होगी तो वो भी निकल जाएगी। और मेरा अनुभव है ये, जब मैं गुरुजी के साथ ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आते थे हम, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बीमार हो गया, पहले बुखार हो गया मुझे, हम चलने लगे जब यहाँ से, तो गुरुजी और मैं थे दोनों, एक लड़का और था जो ढोलक वादक था, वो ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता था,
तो गुरुजी ने बहुत देर तक ट्रैक्टर चलाया तो मेरे मन में ऐसा आया, अगर मैं ऐसे ही लेटा रहा तो गुरुजी थक गए होंगे और सोच रहे होंगे देखो भाई ये ट्रैक्टर नहीं चला रहे। तो मैं बुखार हो रहा था लेकिन फिर भी मैंने 4-5 घंटे वो ट्रैक्टर चलाया। सर्दियों के दिन थे तो वो सर्दी मुझे सीधी लगी वहां पर, क्योंकि शीशा तो होता नहीं, वो सर्दी लगी तो मुझे और ज्यादा बुखार हुआ। इतनी सर्दी अंदर शरीर के घुस गई, बहुत औषधि कराई डॉक्टरों के पास लेकिन नहीं निकल रही थी। हर रोज मुझे कॉम्बी फ्लैम खानी पड़ती थी थोड़ा सा ठीक रहने के लिए। लेकिन हम शामली है एक मुजफ्फरनगर में, वहां कार्यक्रम करने गए तो एक व्यक्ति ने वहां पर शिलाजीत की एक एक शीशी दी, इतनी बड़ी शीशी थी वो दी, पंडित जी इसको खाना। तो मैंने वो गुरुजी को ही दे दी, मैं नहीं खाता ये। फिर दूसरी बार गए उन्होंने फिर वही दी, वो शिलाजीत का काम करते थे। तो उस दिन रात को 7 दिन का कार्यक्रम था वहां पर शामली में, गुरुजी कहने लगे दूध में डालकर पीने लगे, पीकर देखो भीष्म जी ये कॉफी जैसा लग रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा मैंने डाला तो कॉफी का स्वाद सा उसमें आया, अच्छा लगा। मैंने 3-4 दिन तक लगातार पी, 3-4 दिन लगातार पीने से सज्जनों मेरा जो सारा बुखार था ना, हड़कल रहती थी शरीर में, सारी दूर हो गई, वो सारी दूर हो गई। और फिर उस दिन से बहुत दिनों तक मुझे सर्दी नहीं लगी। मैं फिर तलाशता रहा जब ऐसा कुछ हुआ, और मैंने एक दो और को भी ले जा कर दी, उसे भी वो कारगर हुई। लेकिन आज आप बाजार से शिलाजीत लेने जाएं और इतनी सी नहीं इतनी सारी भी घोल कर पियेंगे तब भी लाभ नहीं करेगी। रामदेव जी बहुत अपने उत्पादन की बहुत प्रशंसा करते हैं, अच्छा है उनका उत्पादन, में बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितनी कमी आ गई है। आप उनकी शिलाजीत लेकर आओ, दूध में घोल कर पियो, आधी शीशी भी पीलोगे तब भी गर्मी शरीर में नहीं आएगी। लेकिन जो असली शिलाजीत होती है जो पहाड़ों में मिलती है, माचिस की तिल्ली के बराबर जो अगला भाग होता है ना उसका मसाला, उसके बराबर लेना है आपको। और फिर गारंटी है अगर बड़े से बड़ी सर्दी ना निकल जाए तो पकड़ लेना, कितनी बढ़िया चीज। अर्थात उसे खाने से हानि नहीं होती थी। आज व्यक्ति दवाइयों का प्रयोग करता है लेकिन एक दवाई खाता है दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पर ईश्वर की औषधि बनाई हुई देखिए, जो नेचुरल औषधि थी, थोड़ा सा प्रयोग व्यक्ति उसका करता था और स्वास्थ्य उसका अच्छा हो जाता था। लेकिन आज औषधियों में भी लोगों ने मिलावट करनी शुरू कर दी है, आज दवाई भी मार्केट में सही नहीं मिलती, इसीलिए बहुत सारे लोग मर रहे हैं। दवाई सही नहीं मिल रही है और उसका गलत प्रयोग भी लोग कर रहे हैं। इसमें कारण ईश्वर का नहीं है, हमारा है, क्योंकि हमने उसका सही प्रयोग नहीं किया है। इसलिए कहा है अगर तुम संसार में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। जब व्यक्ति मनुष्य बन जाएगा फिर इन गलत चीजों का प्रयोग नहीं करेगा। पर आज क्या होता है, गीत याद आ गया अचानक, सुने मनुर्भव का हमें आदेश दिया, इंसान बनाना भूल गए। मनुर्भव का हमें आदेश दिया, इंसान बनाना भूल गए। ये शिक्षा चली उल्टी कैसी, ये शिक्षा चली उल्टी कैसी, इंसान बनाना भूल गए। मनुर्भव का हमें आदेश दिया, इंसान बनाना भूल गए। भजन लंबा है इसे कल पूरा करूंगा, पर यहां पर कहते हैं हम इंसान बनाना भूल गए। वेद के अंदर ईश्वर ने आदेश दिया है मनुर्भव जनया देव्यम जन्म, अर्थात मनुष्य बनकर तुम अपने दिव्य संतानों को उत्पन्न करो। लेकिन आज व्यक्ति मनुष्यता को भूलता जा रहा है, मूर्खता प्राप्त करता जा रहा है, और इस मनुष्यता के कारण भूलने के कारण आज व्यक्ति हर चीज में, रहने सहने की चीजों में भी मिलावट करने, आज ये इतने हानि क्यों हो रही, सड़कों पर जो चलती हैं गाड़ियां पुल बनाते हैं हम, देखो जो हमें जितनी मसाले की मिलावट करनी चाहिए थी उतनी व्यक्ति नहीं करता है, इसीलिए सड़कें टूट रही हैं।
पुल टूट रहे हैं, थोड़े दिनों में सड़कें खराब हो जाती हैं। क्या कारण है? क्योंकि जैसा हमें करना चाहिए था वैसा हमने नहीं किया है, अर्थात हमने अपना व्यवहार इतना गंदा कर लिया है, जो हम इस जो सुखदायक सृष्टि ईश्वर ने बनाकर दी थी हम उससे दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हमारा दोष है माताओं बहनों सज्जनों, दूसरों का नहीं। और मैंने चर्चा भी की थी, जब तक व्यक्ति व्यवहार अच्छा नहीं करेगा तब तक व्यापार से सुख नहीं मिलेगा। आज व्यापार की शिक्षा दी जा रही है केवल, लेकिन व्यवहार भूलता जा रहा है, मनुष्यता को लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। केवल व्यापार के बलबूते पर संसार में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर केवल धन के बलबूते पर व्यक्ति संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकता। धन सुखदायक तो होता है, मैंने पहले भी कहा है, श्याम पतयो रही नाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, लेकिन ध्यान रखना केवल धन से व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और भी हमें उसके साथ साथ अपने व्यवहार को अच्छा करना पड़ेगा, रहन सहन अच्छा बनाना पड़ेगा, खान पान अच्छा बनाना पड़ेगा, तब जाकर इस संसार से हमें सुख प्राप्त होगा। लेकिन हम कह देते हैं जी भगवान ने दुखदायक बनाई है, और अपनी दृष्टि से हम इस सृष्टि को देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं वो कहते हैं जी परमात्मा ने संसार तो बनाया है लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं बनाया है, ऐसे भी लोग हैं। संसार तो बनाया लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं बनाया, और कहते हैं दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाई पर रचना समझ में मेरे ना आई। दुनिया तो तूने बनाई है, मैं देख भी रहा हूं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है, तूने सिस्टम से चीज नहीं बनाई है। और उदाहरण भी आपने सुना होगा, विद्वान लोग उदाहरण देकर समझाते हैं। एक व्यक्ति चला जा रहा है, अपनी बुद्धि से सोच रहा है सृष्टि को, और देखा उस पतली सी बेल पर वो तरबूज लगा हुआ है, इतना बड़ा फल तरबूज होता है ना, वो पतली सी बेल पर रखता है, वो इतना बड़ा फल, यहां तो छोटा तरबूज होता है हमारे यहाँ गंगा के किनारे, और बड़े बड़े होते हैं क्योंकि पानी अच्छा मिलता है वहां पर, तो बड़ा तरबूज देखा इसने, तो कहता है देखो लोग कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, बुद्धिपूर्वक की है। क्या बुद्धिपूर्वक की है? देखिए ये इतनी सी पतली सी बेल है और इस पर इतना बड़ा फल लगा रखा है, तरबूज लगा रखा है। कहता जा रहा था, गर्मियों के दिन थे, आगे चला, लंबा सफर था, आम का पेड़ था बढ़िया, अप्रैल मई जून का महीना था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूं फिर आगे चलूंगा। लेट गया, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, नींद आ गई, एक आम टूट कर गिरा, एक आम टूटकर इसकी नाक पर गिरा। अब इतना मोटा आम और कच्चा और नाक पर टूट कर गिरे, नाजुक जैसी जगह पर, तो देखो कितना कष्ट होगा। जैसे ही टूटा नाक पर गिरा तो नक्सिरी बोलते हैं जिसे खून निकलने लगा, आंखों से आंसू निकल कर आए, खड़ा होता चला गया एकदम, और बस तुरंत ध्यान आता है, ऊपर को देखता है और हाथ जोड़कर कहता है प्रभु तेरी रचना बहुत बुद्धिपूर्वक है, तेरी रचना बहुत बुद्धिपूर्वक है, काश वो तरबूज यहां लगा हुआ होता तो आज अपना हुलिया बिगड़ गया होता। तब अर्थात जब हम बारीकी से देखते हैं, चिंतन करते हैं उस ईश्वर की सृष्टि पर, तब हमें पता चलता है एक एक चीज ईश्वर ने बड़ी बुद्धिपूर्वक बनाई है, लेकिन हम कमी निकालते हैं। समय तो हो गया, एक कड़ी सुना देता हूं, भजन पूरा करना। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल सृष्टि रचाई है, पता कुछ पा नहीं सकता कहां किसकी रसाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर खिले हैं फूल गुलशन में हजारों रंग के सुंदर खिले हैं फूल गुलशन में हजारों रंग के सुंदर सुगंधि क्या गजब की है जो तूने गुल मिलाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल भजन कल पूरा करूंगा, सुना है आपने लेकिन अपना अपना ढंग है। खिले हैं फूल गुलशन में हजारों रंग के सुंदर सुगंधी क्या गजब की है जो तूने गुल में लाई है। चर्चा आपके मध्य कर रहा हूं, पांच ज्ञानेंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिया। जान इंद्रियों से भी व्यक्ति ध्यान रखना पूरे संसार का सुख अगर प्राप्त करेगा तब भी सारा जीवन नहीं कर सकता।
कितने तरह के फूल हैं, कितनी सुगंध उसमें समाई हुई है। हर फूल को सूंघता रहे व्यक्ति तब भी फूल समाप्त नहीं होंगे, आप देखना जाकर। और देखो हम चूहों को देखते हैं, चूहे हैं, तीतर हैं, कबूतर हैं, आप जाकर देखें, आपने भी देखे नहीं है चूहे कितने सुंदर सुंदर होते हैं, तीतर कितने सुंदर सुंदर होते हैं, तोते कितने सुंदर सुंदर होते हैं। हमारे गांव में एक लड़का लेकर आया भी तोते, आपको आश्चर्य होगा गांव के लोग उन तोतों को देखने आते हैं और आपको भी देखकर हैरानी होगी, अरे इतने सुंदर सुंदर तोते, इतने जर जरा से तोते और कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। ऐसा लगता है व्यक्ति देखता रहे, अर्थात दृश्य भी देखने के लिए हैं, सूंघने के लिए, पर समय हो रहा है, कल को चर्चा करेंगे इसकी, कितनी दृश्य देखने के लिए, कितने सूंघने के लिए हैं और कैसे कैसे और परमात्मा ने संसार की रचना की है और कैसे हम इसे देखकर रचना का, संसार का, उसके कर्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आते रहे आप, आनंद आता रहेगा आपको। मैं तो सुनाता हूं तो समय का पता ही नहीं चलता, समय का पता ही नहीं चलता, ऐसा करता है सुनाए जाएं। मैं खुद भी अनुभव करता हूं, देखो बोल रहा हूं लेकिन ध्यान मेरा भी संसार की ओर है, जहां जहां मैं घूमता हूं वहीं वहीं नजर दौड़ जाती, मैं वहां पर गया था, इतनी सुंदर चीजें सुना आपको रहा हूं लेकिन ध्यान मेरा वहां जा रहा है। इतनी सुंदर रचना ईश्वर ने संसार की है, और महर्षि जी तो लिखते हैं दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ना, और कहते हैं अपने शरीर की बनावट को देखो, और बस एक छोटी सी चर्चा लिखते हैं वहां पर, कैसे हड्डियों का जोड़, नसों का जाल, मांस का लेपन और चमड़ी का ढक्कन, चिंतन करना जाकर, हड्डियों का जोड़ कैसे मिलाया है ईश्वर ने और फिर नसों का जाल कैसे बिछाया है, कितनी बारीक नसें हैं उसके ऊपर मांस का लेपन किया है, और श्रीमान जी चमड़ी का ढक्कन भी लगाया, कैसे लगाया इसकी चर्चा कल करेंगे। आइए मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की, प्रणव ध्वनि ओ। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार।